देवोलीना की एंट्री पर आया बड़ा खुलासा। होने वाली है देवोलीना की धमाकेदार एंट्री। घर वालों को मिलेगा एक और झटका। हाउसमेट्स के साथ साथ ऑडियंस भी होने वाले हैं शॉक। बिग बॉस 13 में एक तरफ जहां झगड़े लड़ाइयां खत्म नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घर वालों का इंजर्ड होना खत्म नहीं हो रहा। आए दिन कोई ना कोई जख्मी ही हो रहा है और ऐसे ही टास्क के दौरान बुरी तरह से जख्मी हुए देवोलीना, जिनका इंजर्ड होना उनको बहुत भारी पड़ रहा है। इतना भारी कि उनके एंट्री पर सवालिया निशान बन गया है कि वो आएंगी घर में वापस या नहीं। पर अब इन सारे सवालों पर से पर्दा उठ गया है। जी हाँ, देवोलीना भट्टाचार्य बिग बॉस 13 से बाहर हो गई है। उन्हें पीठ में चोट लगी थी, जिसके कारण डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। अब देवोलीना भट्टाचार्य एक बार फिर शो में एंट्री लेने वाली है, पर कंटेस्टेंट बनकर नहीं। दरअसल एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक देवोलीना शो में एंट्री लेंगी, लेकिन वो सिर्फ घर वालों को अलविदा कहने के लिए घर के अंदर जा रही है, क्योंकि देवोलीना घर वालों को अलविदा कहकर नहीं आई थी। शो में जब देवोलीना एंट्री लेंगी तो वो पल काफी इमोशनल होने वाला है। विकास देवो के लिए प्रॉक्सी देने आया था और यही लगा था कि उसके बाहर जाते ही देवो आएगी, लेकिन बैक प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाई। और जब देवोलीना नॉमिनेट हुई थी तो जनता ने उन्हें कम वोट देके उन्हें घर से एलिमिनेट कर दिया था। उनके साथ ही रश्मि और शेफाली बग्गा भी एलिमिनेट हुए थे, पर रश्मि और देवोलीना ने मारी घर में री एंट्री। घर में री एंट्री के बाद देवोलीना का गेम काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा था, पर अफसोस उनकी इंजरी ने उनके गेम में खलल डाली थी। तो कैसा लगा आपको देवोलीना के शो से एग्जिट की खबरें जानकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी सारी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला।